परी के जादुई लहंगों का घर। बहुत समय पहले की बात है, समस्तीपुर नामक गांव में दो जुड़वा बहनें सीता और गीता अपनी माँ कंचन के साथ रहा करती थी। कंचन अपनी दोनों बेटियों को अकेले ही पाल रही थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही कंचन के पति का एक कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी उसी वक्त मृत्यु हो जाती है। कंचन सुबह सुबह कुछ घरों में झाड़ू पोछा का काम करती और दोपहर में सिलाई का काम करती है। सिलाई का काम सोना बुटीक में करने जाया करती, ताकि वो अपनी बच्चियों का अच्छे से पालन पोषण कर सके और उन्हें पढ़ा लिखा सके। पूरा रात दिन मेहनत और लगन के साथ काम करने के बाद कंचन घर में चार पैसे इकट्ठे कर पाती और अपनी बेटियों की स्कूल की फीस भरती, साथ ही उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाती पिलाती। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन सीता और गीता दोनों का जन्मदिन आता है, लेकिन दोनों जुड़वा बहनें बहुत समझदार होती हैं। अपनी माँ को इतनी मेहनत करता हुआ देखकर वो फिजूल खर्ची नहीं करती, जिस वजह से स्कूल के सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते। ऐसे ही कुछ दिनों बाद क्लास में शनाया नाम की लड़की का बर्थडे आता है और शनाया अपनी दोस्त निधि से कहती है, तुझे पता है निधि, मेरे बर्थडे पर मेरे बड़े भैया विदेश से बहुत सुंदर ड्रेस लेकर आएंगे, जिसे पहनने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उसको पहनते ही मैं बिल्कुल सिंड्रेला की तरह दिखूंगी। अरे वाह, तुम्हारा सही है, तुम्हारे भैया विदेश में काम करते हैं तो तुम्हें विदेशी कपड़े पहनने को भी मिल जाता है। अरे मेरा छोड़, तू बता मेरे बर्थडे पर क्या पहनेगी। तुम्हें पता है मेरे पिताजी अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे लिए बहुत सुंदर और बहुत अच्छा ड्रेस लेकर आई है, जो अभी तक मैंने टच भी नहीं किया। मैं वही ड्रेस तुम्हारे बर्थडे पर पहन कर आऊंगी और तुम देखना, उस ड्रेस में मैं बहुत अच्छी लगूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा ड्रेस भी देख लूंगी, लेकिन मेरे ड्रेस से ज्यादा अच्छा नहीं होगा तुम्हारा ड्रेस। अच्छा सुनो, हम दोनों बातें कर रहे हैं और वो दोनों जुड़वा बहनें हमें देख रही है। अब तुम इन दोनों को अपने बर्थडे में बुलाओगी? इन दोनों गरीब लड़कियों को अगर मैं अपने बर्थडे पार्टी में बुलाऊंगी तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, इसलिए मैं इन दोनों को नहीं बुलाना चाहती। हाँ सही है, क्योंकि अभी इन दोनों का बर्थडे गया है और इन्होंने हमें पूछा तक नहीं, क्लास में एक टॉफी तक नहीं दी, और हम इन्हें अपने बर्थडे में क्यों बुलाए? और फिर ये कौन सा तुम्हारे बर्थडे में आने की खुशी में गिफ्ट लेकर आएंगी? ये तो खाली हाथ उठ कर आएंगी और हमें इनको खाना और खिलाना पड़ेगा। वैसे तो कहे तो सही रही है, हम लोग इसे अपने बर्थडे में क्यों बुलाए? फालतू का खर्चा भी बढ़ता है, और फिर ये कौन सा हमारे सगी है, मेरी दोस्त थोड़ी है, मेरी सगी दोस्त तो तू ही है। शनाया ये सब छोड़ो, ये तो सोचो कि ये दोनों लड़कियां क्या पहन कर आएंगी। जरूर अपने कटे फटे सिले हुए गाउन पहन कर आ जाएंगी, जिससे हमारी बहुत इंसल्ट होगी। ये बात तो तुमने सच कही, ये दोनों वैसे भी भिखारनों से कम नहीं लगती। शनाया और निधि दोनों ही सीता और गीता का मजाक उड़ाते हैं। तभी सीता को बहुत गुस्सा आता है और सीता गुस्से से कहती है, तुम लोग अमीर लोग हो इसलिए इतना मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन तुम्हें मैं बता दूं कि इस दुनिया में हर कोई इक्वल है, तुम्हें हमारा मजाक उड़ाने का कोई राइट नहीं है। तुम दोनों ने हमारा बहुत मजाक उड़ा लिया, लेकिन अब की बार तुमने अगर हमारे लिए कुछ भी फालतू शब्द बोला तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। दोनों बहनें शनाया और निधि को सुनाकर आ जाती है और स्कूल की छुट्टी होती ही दोनों बहनें आपस में बात करती हुई आती है। दोनों कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बुरा फील करती हैं, लेकिन वो अपने मन की बातें करती हुई घर पहुंच जाती है और घर पहुंचते पहुंचते भी वो यही सब बातें कर रही होती है। घर पहुंचते ही देखती है कि उनकी माँ घर पर ही बैठी है, दोनों बहनों का मुंह उतरा हुआ होता है। तभी उनकी माँ उनसे कहती है, क्या हुआ, आज तुम दोनों ऐसे उदास क्यों दिख रही हो? आज स्कूल में हमारा बहुत मजाक उड़ाया गया, हमने अपने बर्थडे पर किसी को टॉफी तक नहीं खिलाई, इसलिए सबने हमारा मजाक उड़ाया। साथ ही एक लड़की का बर्थडे आ रहा है, वो सबको इनवाइट कर रही है लेकिन हमें नहीं कर रही, क्योंकि हम गरीब है और हमारे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है। अरे इतनी सी बात के लिए तुम दोनों इतना उदास हो? माँ हमारा मजाक उड़ाया इसलिए उदास है, वरना इस छोटी सी बात के लिए हम उदास नहीं होते। मुझे तुम लोगों के कपड़ों में मुझे कोई कमी नहीं नजर आती, लेकिन वो बात अलग है कि वो लड़कियाँ बहुत ज्यादा अमीर है तो हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। रही बात बर्थडे मनाने की, तो कोई बात नहीं बेटा, हर इंसान अपने अपने हिसाब से अपना बर्थडे मनाता है। लेकिन माँ क्या हम कभी भी अपना बर्थडे नहीं मना पाएंगे? बेटा इस गरीबी में मैं तुम्हें अच्छे कपड़े पहनाऊं, अच्छा खिलाऊं और अच्छा पढ़ाऊं, ये जरूरी है या बर्थडे मनाना जरूरी है? गीता माँ ठीक कह रही है, हमारे लिए हमारी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है।
बेटा मुझे अब की बार सैलरी बढ़कर मिलेगी, इसलिए मैं तुम दोनों के लिए बहुत सुंदर ड्रेस लेकर आऊंगी। तुम दोनों चिंता मत करो, तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, दूसरों की बातों में मत आया करो। ये बातें सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। कंचन रोजाना की तरह अपने काम पर सुबह सुबह निकल जाती है और उसकी दोनों बेटियां सुबह सुबह अपने स्कूल। दोनों बेटियां स्कूल से पढ़ लिख कर खूब खुशी से आ रही होती है कि तभी एक कार से उनकी टक्कर हो जाती है। कार वाला तुरंत उन दोनों को उठाकर अस्पताल ले जाता है और वहां जाकर उनका इलाज करवाता है और उनके स्कूल की डायरी से उनकी माँ का नंबर निकालकर उनकी माँ को कॉल करके सब कुछ बताता है। और तभी कंचन भागी भागी हॉस्पिटल आती है। ये क्या हो गया मेरी बच्चियों को, अभी तक तो ठीक थी लेकिन अचानक किसी कार से उनका एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? भाई साहब आपको कार सही से चलानी चाहिए थी, आज आपकी वजह से मेरी दोनों बेटियाँ हॉस्पिटल में एडमिट है। बहन जी मुझे माफ कर दो, ये सब मुझसे गलती से हुआ। दोनों बच्चियां बिना देखे रोड क्रॉस कर रही थी और अचानक ही मेरी गाड़ी के सामने आ गई। मैं गाड़ी में ब्रेक लगाता रहा लेकिन मेरी ब्रेक लास्ट तक पूरे ढंग से नहीं लग पाई। लेकिन आप चिंता ना करो, मैं इनका अच्छे से इलाज करवाऊंगा। ऐसे ही कुछ दिनों तक अस्पताल में दोनों जुड़वा बहनें एडमिट रहती हैं और उनका इलाज चलता है। दोनों के पैर में फ्रैक्चर हो जाता है जिसकी वजह से दोनों ही चलने में असमर्थ होती है। कुछ दिनों बाद उनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है लेकिन घर जाने के बाद उनकी माँ को बहुत तकलीफ होती है। उनकी माँ के पास जो सैलरी बढ़कर मिलती है वो पैसे होते हैं और घर में दोनों बच्चियों के पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से वो घर छोड़कर काम करने नहीं जा सकती थी। इसी वजह से उसे काम से छुट्टी लेनी पड़ती है, साथ ही साथ वो सिलाई का काम भी छोड़ देती है, जिस वजह से वो उतने ही पैसों में अपनी बेटियों के साथ गुजारा करती है। अपनी बेटियों को इस हालत में देखकर कंचन का दिल चूर चूर हो जाता है। मेरी बच्चियां ठीक हो जाए, मैं वापस से पैसे कमा लूंगी और अपने बच्चों को ड्रेस दिला दूंगी, बस मेरी बच्चियां वापस से पहले जैसे चहल पहल करने लगे। माँ हमें कोई ड्रेस नहीं चाहिए, आप हमारा इतना ख्याल रख रही हैं और आपने हमें इस गरीबी में भी इतने अच्छे से संभाल कर रखा है, इससे बड़ा काम क्या होगा माँ, आप दुनिया की बेस्ट माँ हो। हाँ माँ सीता सही कह रही है, हमें कोई ड्रेस नहीं चाहिए, अभी हमारा फ्रैक्चर ठीक हो जाए उसके बाद हम लोग आपके काम में हाथ बटाएंगे। और स्कूल पढ़ लिया जितना हमें पढ़ना था, अब हम भी बड़े हो गए, अब हम भी पैसे कमाएंगे और मिलकर घर चलाएंगे। इस तरह दोनों बहनें हंसकर अपनी बात कहती है और अपनी माँ का मन हल्का करती हैं। कंचन का मन बहुत ज्यादा दुख से भरा होता है क्योंकि दोनों ही बच्चियां बेड पर आ जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं, कंचन उनका खूब ख्याल रखती है, नहाना खिलाना पिलाना सब खुद ही करती है। ये सब करते करते भी कंचन कभी कभी रो जाया करती थी। कंचन का मन बहुत हल्का हो चुका था लेकिन अब दोनों बच्चियों का पैर थोड़ा मजबूत हो जाता है और दोनों ही अस्पताल जाती हैं। कंचन हॉस्पिटल जाकर उनका फ्रैक्चर खुलवा देती है। फ्रैक्चर खुलने के बाद दोनों बच्चियाँ हल्का हल्का चलने लगती हैं। ये देखकर कंचन का मन खुश हो जाता है। बेटा हिम्मत करो, तुम दोनों जल्दी चलने लगोगी। दोनों बच्चियां अभी भी चलने में अटक रही थी और लड़खड़ा रही थी लेकिन अब धीरे धीरे दोनों हल्का हल्का चलती है तो कंचन का मन पहले से अच्छा हो जाता है और वो अपनी दोनों बच्चों को अस्पताल से घर ले जाती है। घर जाने के बाद दोनों बच्चे अपने घर के आंगन में बैठ कर बातें कर रही होती है। गीता वैसे कहना पड़ेगा शनाया और निधि दोनों ही बहुत अच्छी किस्मत लेकर आई हैं। दोनों के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है और साथ ही इतना गलत करने के बाद भी वो फिट हैं। हम अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, ये अमीर लोग इतना सब कुछ बुरा करते हैं, उनके साथ बुरा होना चाहिए, हमारे साथ इतना सब कुछ हो गया लेकिन उनमें से किसी ने भी हिम्मत करके हमारे बारे में पूछने की कोशिश तक नहीं करी और वो दोनों आराम से बर्थडे एंजॉय कर रही होंगी। तुम्हें पता नहीं है सीता, भगवान सब देख रहे हैं, अमीर इंसान है तो क्या हुआ, भगवान के लिए सब एक जैसे हैं और जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है, उन्हें भी एक दिन उनके कर्मों का फल मिलेगा और उन दोनों को क्या ही फर्क पड़ता है, हम उनके दोस्त थोड़ी हैं, वो दोनों बहुत घमंडी हैं, छोड़ो उनके बारे में। दोनों बहनें आंगन में बैठकर अपने अपने दुख एक दूसरे को बता रही होती है। तभी उनके आंगन में एक नीली परी प्रकट होती है।
नीली परी उन दोनों बहनों की बातें सुन चुकी होती है। तभी नीली परी उन दोनों को कहती है, तुम दोनों बहुत अच्छी हो, ये तो मैंने देख लिया। मैं परीलोक से पृथ्वीलोक पर घूमने आई थी और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन तुम लोग बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आप हमारी मदद कैसे करोगी? मैं तुम्हें ये दो जादुई लहंगे वाले घर देना चाहती हूँ। इन दोनों जादुई लहंगे वाले घरों में तुम दोनों रह सकती हो। तुम इन जादुई लहंगे वाले घरों में जाकर अपनी जो भी इच्छा मांगोगी वो तुम्हारी इच्छा तुरंत ही पूरी करेगा। लेकिन ध्यान रहे, इस बारे में तुम किसी को भी नहीं बता सकती। और याद रहे, कभी भी तुम अपने मन में इन लहंगों की वजह से कोई घमंड मत लाना, क्योंकि जिस दिन तुम इस लहंगे की वजह से लालच और घमंड करोगी, उस दिन से ये जादुई लहंगा घर काम करना बंद कर देंगी। तुम इन घर में रह भी सकती हो। थैंक यू परी जी, आपने हमारी मदद करके बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं और मेरी बहन मिलकर भी आपका एहसान कभी चुका नहीं पाएंगे। अब हम भी अपनी माँ को खुशी खुशी इस घर में रख पाएंगे। साथ ही हम जादू लहंगे के घरों में जाकर अपने अपने फ्रैक्चर ठीक कर लेंगे, ताकि हम ठीक से चल पाए और हमें ठीक देख कर हमारी माँ भी खुश हो जाए। इस तरह दोनों बहनें परी का धन्यवाद करती है और परी परीलोक में चली जाती है और दोनों बहनें उन जादुई लहंगों के घरों में अपनी माँ को लेकर चली जाती है और दोनों बहनें मिलकर अपनी माँ को सारी बातें बताती हैं। ये सारी बातें सुनकर उनकी माँ बहुत खुश होती है। तभी सीता जादुई लहंगे के घर से कहती है, हे जादुई लहंगे के घर, हम दोनों बहनों के फ्रैक्चर को ठीक कर दो, ताकि हम अच्छे से चल सके। सीता के इतना कहते ही दोनों बहनों का फ्रैक्चर बिल्कुल ठीक हो जाता है और दोनों ही अपने आप को मजबूत महसूस करती हैं और दोनों ही एकदम चलने फिरने लगती हैं और खुशी से झूम उठती है। साथ ही उनकी माँ भी नाचने लगती है। दोनों बहनें मिलकर अपनी माँ के लिए साड़ी और अपने लिए बहुत सारे ड्रेस मांग लेती हैं। फिर थोड़ी देर बाद दोनों बहनें कुछ पैसे और एक गाड़ी भी मांग लेती हैं। जैसे जैसे दोनों डिमांड करती हैं, वैसे वैसे जादुई लहंगा का घर में से चीज बाहर आने लगती है। जैसे ही सब कुछ ठीक होता है, दोनों बहनें अपना एडमिशन स्कूल में करवा लेती हैं और पहले की तरह दोनों स्कूल जाने लगती हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी माँ घर में रहकर अपनी बच्चियों के लिए तरह तरह की व्यंजन बनाती है और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीती है। अब कंचन अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहने लगती है और मन ही मन परी का धन्यवाद करती है। दोनों बच्चियों के पास अब किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। दोनों बच्चियाँ अपनी माँ के साथ बहुत खुश होती है। बहुत समय पहले की बात है, रामगढ़ नामक गांव में अंकिता अपनी सौतेली माँ रामकली और अपनी सौतेली बहन पारुल के साथ रहती थी। अंकिता और पारुल दोनों ही दिखने में बहुत सुंदर और गोरी थी। अंकिता पारुल से उम्र में बड़ी थी, परंतु अंकिता की हाइट छोटी होने के कारण वो छोटी दिखती थी और उसके पड़ोस के बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे। अंकिता और पारुल दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। रामकली अंकिता के सौतेली होने के कारण उसे झाड़ू पोछा लगवाती और भी घर का सारा काम करवाती थी। रामकली अंकिता पर बहुत अत्याचार करती थी और उसके छोटे हाइट पर उसे ताने मारा करती थी। एक दिन अंकिता और पारुल स्कूल जाती है। वो दोनों अपनी क्लास के बाहर खड़ी होकर बातें कर रही होती है कि तभी पारुल की क्लास की कुछ शरारती लड़कियां आती है और हंसते हुए पारुल से कहती है, पारुल, ये बोनी लड़की कौन है? दिखने में तो किसी गरीब घर की लग रही है। क्या तुम्हारे गाँव से कोई रिश्तेदार आया है? ये अंकिता है, ये मेरी बड़ी बहन है और ये मेरे साथ मेरे घर में ही रहती है। हम दोनों एक साथ बहुत मजे करते हैं और खेलती भी हैं। क्या ये तेरी बड़ी बहन है? ये तो हमसे भी बहुत छोटी है। क्या तेरी मम्मी ने इसे कॉम्प्लेन नहीं पिलाया? ये तो बच्ची है। हाँ तो इसमें हंसने की क्या बात है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी के बारे में बोलने की? तुम मेरी दीदी को कुछ मत कहो, नहीं तो मैं अभी तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। अरे ये तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रही थी, परंतु तुम तो सीरियस ही हो गई। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, अगली बार से मेरे साथ ऐसा घिनौना मजाक मत करना, समझी तुम? ऐसा कहकर वो दोनों अपनी अपनी क्लास में पढ़ने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि अंकिता का सभी लोग उसकी हाइट को लेकर बहुत मजाक उड़ाते थे, इसलिए वो घर का काम खत्म करने के बाद अपनी हाइट बढ़ाने के लिए लटकती थी और योगा भी करती थी, परंतु इससे उसकी हाइट पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। ऐसे ही समय बीत रहा था।
एक दिन अंकिता हमेशा की तरह अपनी छोटी बहन पारुल के साथ एक्सरसाइज कर रही थी कि तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और कहती है, अंकिता की बच्ची तू यहाँ एक्सरसाइज कर रही है और मैं तुझे कितनी देर से तुम दोनों को ढूंढने में लगी हूँ। पारुल, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम इस अंकिता की बच्ची के साथ मत रहा करो। चलो अब अपने कमरे में जाओ। और हाँ अंकिता, तेरे इस तरह लटकने से कुछ नहीं होगा, तू रहेगी तो हमेशा की तरह बूनी की बूनी ही। चल अब खड़ी क्या है, मुझे पकोड़े खाने का मन है, किचन में जाकर मेरे लिए पकोड़े बना। अंकिता चुपचाप अपनी माँ की बात सुनकर किचन में पकोड़े बनाने के लिए चली जाती है। वो किचन में चाय बनाकर अपनी माँ के लिए पकोड़े बनाने लग जाती है और थोड़ी ही देर में अपनी माँ के लिए चाय और पकोड़े तैयार कर देती है और डाइनिंग टेबल पर रख देती है। राम के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठकर पकोड़े खाने लगती है, परंतु पकोड़ा में नमक ज्यादा होने के कारण वो गुस्से में खड़ी हो जाती है और अंकिता से कहती है, ए बोनी लड़की, तूने पकोड़ा में इतना सारा नमक डाल दिया है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा नमक का डब्बा इसमें डाल दिया है, इतना नमक खाकर मेरी हड्डियां गल जाएंगी। रामकली अंकिता को बहुत देर तक सुनाती है कि तभी वहाँ पारुल आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ अब बस भी करो माँ, पकोड़ों में थोड़ा सा नमक ज्यादा होने के कारण आप दीदी को कितनी देर से सुना रही हो, आपको तो बस दीदी को सुनाने का मौका चाहिए और कुछ नहीं। तू चुप कर पारुल, इस अंकिता की बच्ची के साथ रह रहकर इसने तुझे भी अपने जैसा बना दिया, चुपचाप अपने कमरे में जाकर पढ़ाई कर, ज्यादा जुबान चलने लगी है तेरी। पारुल वहाँ से उदास मन से अपने कमरे में चली जाती है। तभी रामकली अंकिता को बहुत मारती है। अंकिता रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। रोते रोते उसे बहुत तेज नींद आ जाती है और वो गहरी नींद में सो जाती है। तभी उसके सपने में उसकी मरी हुई माँ आती है और कहती है, सुनो अंकिता बेटा, मुझे पता है कि लोग तुम्हारी छोटी हाइट के कारण तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें बहुत मारती भी है, परंतु अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम कल सुबह उठकर नीली पहाड़ी के 100 साल पुराने पेड़ के नीचे मैंने एक चमकता हुआ पत्थर जमीन में गाड़ रखा है, तुम उसे निकालकर झरने के पास जाना, वहाँ तुम्हें एक बूढ़ी दादी माँ मिलेंगी, तुम ये चमकता हुआ पत्थर उन्हें दे देना, वो तुम्हें सोने और चांदी की 2 फ्रॉक देंगी, सोने की फ्रॉक से तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी और चांदी की फ्रॉक से तुम्हारे पास बहुत सारे धन दौलत आ जाएगी, जिससे तुम हंसी खुशी से रह सकती हो। अच्छा अंकिता बेटा, तो अब मैं चलती हूँ, मुझे जाने में देरी हो रही है। इतना कहकर अंकिता की माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह अंकिता जब सुबह सोकर उठती है तो उसे रात का सपना याद आता है और वो तुरंत ही नीली पहाड़ी के 100 साल पुराने पेड़ के पास पहुंच जाती है और खुदाई चालू कर देती है। थोड़ी देर खोदने के बाद अंकिता को वो चमकदार पत्थर मिल जाता है। अंकिता उस पत्थर को उठाकर झरने के पास पहुंच जाती है। अंकिता वहां बूढ़ी दादी को ढूंढी रही होती है कि तभी अचानक उसके सामने बूढ़ी दादी प्रकट हो जाती है। आओ बेटी, मैं ही वो बूढ़ी दादी हूँ, जल्दी से मुझे वो चमकदार पत्थर दे दो, जिसकी मदद से मैं तुम्हें सोने और चांदी की 2 फ्रॉक दे दूंगी। अंकिता वो चमकदार पत्थर बूढ़ी दादी को दे देती है। बूढ़ी दादी अपने जादू से वहाँ 2 सोने और चांदी की फ्रॉक प्रकट कर देती है। अंकिता उनसे सोने और चांदी की वो दोनों फ्रॉक ले लेती है और दादी माँ को धन्यवाद बोलकर घर चली जाती है। अंकिता घर पहुंचकर जैसे ही वो सोने की फ्रॉक पहनती है, तभी अचानक उसकी लंबाई बढ़ जाती है। ये सब देखकर वो बहुत खुश होती है और फिर अपनी बहन पारुल को बुलाती है। पारुल वहाँ आती है तो वो देखती है कि अंकिता पहले से लंबी हो गई है। ये देखकर पारुल को अपनी बहन के लिए खुशी होती है कि अब अंकिता को कोई भी बूनी कहकर नहीं चढ़ा पाएगा। फिर अंकिता पारुल को चांदी की फ्रॉक के बारे में बताती है। अंकिता खुश होकर अपनी बहन पारुल को वो चांदी की फ्रॉक दे देती है। पारुल जल्दी से वे चांदी की फ्रॉक पहन लेती है। फ्रॉक पहनते ही पारुल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है
और उसे बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। उस दिन के बाद अंकिता और पारुल अपनी अपनी फ्रॉक से अपनी जरूरत की चीजें मांगा करती थी। जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक की मदद से वे दोनों पढ़ने में भी बहुत अच्छी हो गई थी। अब जब कभी भी दोनों बहनों से कक्षा में कोई सवाल पूछा जाता, वो दोनों बहन सबसे पहले उसका जवाब देती। ये देख स्कूल के सभी टीचर्स उनकी तारीफ करती थी। परंतु क्लास की वो लड़की रूबी, जिसने अंकिता के बोने होने का मजाक उड़ाया था, वो उसे इतना लंबा और खूबसूरत देखकर अंदर ही अंदर चिढ़ने लगती है, क्योंकि अब दोनों बहनों के पास सोने और चांदी की फ्रॉक हो गई थी, जिस कारण वो बहुत खूबसूरत भी हो गई थी। ये सब रूबी से देखा नहीं जा रहा था कि उनकी खूबसूरती से प्रभावित होकर स्कूल की सभी लड़कियां उनसे बात करना भी पसंद करती थी, और अब रूबी से कोई बात नहीं करता था। इसी तरह दोनों बहनें अंकिता और पारुल उन जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक की मदद से गरीबों की मदद करना शुरू कर देती हैं। वो हर दिन सोने और चांदी के फ्रॉक से धन दौलत मांगती और उसका आधा हिस्सा गरीबों को दान कर देती। धीरे धीरे जब ये बात रामकली को पता चलती है कि पारुल और अंकिता के पास जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक है, वो अंकिता को दिन रात डांटना भी बंद कर देती है और उसे बहुत प्यार से बातें करती है। अब अंकिता भी अपनी सौतेली माँ रामकली के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है, क्योंकि अब अंकिता और पारुल के पास जादुई फ्रॉक की मदद से बहुत सारे पैसे आ गए थे। पैसा आने के बाद वो एक बहुत बड़ा घर खरीदते हैं और रामकली भी उनके साथ उनके घर में रहने लगती है और उन्हें रोजाना अच्छा अच्छा खाना खिलाने लगती है और दोनों को एक जैसा ही प्यार करती है और सभी एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।